सिंपल चीजिंग ले लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको सिंपल नेक डिजाइन बता रही हूँ। उस पर पाइपिंग भी कैसे लगती है ये भी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए मैंने इसको 14 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा ऐसा पेपर ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई लगाना है। मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ, देखिए 2.5 इंच पे हमारे नेक जो है 6.5 इंच का है। देखिए मैंने 6.5 इंच और 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया। ओके, और यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे, ये देखिए, और इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ये देखिए ये बॉक्स बन गया हमारा। और यहाँ से हमें निशान लगाना है ऐसे गले का, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें पाइपिंग लगाना है, यहाँ से सिर्फ हमें 2 सूद पे ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए, अब ये जो हमारा निशान है इसको पीछे भी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप सफेद पर इस तरह का जो आपका रहेगा उस पर रखेंगे तो आपको निशान दिखाई देगा। ये देखिए हमें दिख रहा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे निशान लगा दिया है। और यहाँ से हम हल्का सा राउंड कर देते हैं इसे ऐसे, ये देखिए। अब इसको काट लेते हैं, 1/4 इंच छोड़ के इसको ऐसे काट देंगे शेप में। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, पर मैं नहीं काट रही हूँ, इसी पे मैं सिलाई लगाऊंगी। जिस निशान मैंने लगाया है, जो निशान, इसी पे मैं सिलाई लगाकर यहाँ से काट लूंगी। अब इसको प्रेस में चिपका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़े पे इसको फ्रीजिंग पेपर को चिपका के और यहाँ से इसको पलट के सिलाई लगा दिया है। ओके, अब इसको ये जो हमने नोचेज लगाए हैं, ये हमारा फ्रंट का जो है ऐसे लगा लेंगे, देखिए, और इसको ऐसे लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पिन सिलाई भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं यहाँ पिन लगा रही हूँ। ये देखिए ऐसे जो सेंटर है नीचे, ये देखिए ऐसे सेंटर को सेंटर मिलाएंगे, ऐसे पिन लगा देंगे यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ से हमें सिलाई लेके ऐसे नीचे से लेकर ऊपर ऐसे लाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने सिलाई लगा दी है। ओके, यहाँ से मैंने शुरू किया है और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे इसको खत्म किया। ओके, अब यहाँ से हमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के ऐसे काट देना है। अब यहाँ से हमें ऐसे काटना है बीच में से, सिलाई पे नहीं जाना चाहिए हमारी कैंची। ये मैंने ऐसे काट दिया है, देखिए यहाँ तक मैंने 1/2 इंच पे काटा नहीं है, रोक दिया है फ्रेंड्स। देखिए अब हमें ये जो हमारा 2 कोना है इसको यहाँ से ऐसे कोने तक काट देंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा, और इसको भी ऐसे हल्का सा काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये हमारा पलटने में आसानी होगी। ओके, पहले यहाँ पे नोचेज लगा देंगे ऐसे पलटने के लिए, ऐसे नोचेज लगा देंगे और इसको पलट देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको अभी ऐसे पलट के इसको
ऐसे पलट देना ऐसे, और इसको प्रेस कर देना ऐसे, इसको ऐसे करके आयरन कर देंगे, ये बैठ जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको आयरन करके ऐसे बिठा लिया है, ये देखिए पलट दिया है हमने गले को, ये देखिए। अब हमें इसमें पाइपिंग डालना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा इसका कपड़ा है, इसकी पाइपिंग डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स। इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे डाल दीजिए आप कपड़े को, और इसको ऐसे रख दीजिए, ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे इसे। ये जितनी पट्टी है हमारी उतना ही लेंगे, ये देखिए, ये देखिए ये हमारी पट्टी का निशान लग गया है। एक और ले लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स दो पट्टी ले लिया है मैंने इसे, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे काट लिया, ये देखिए, ये देखिए ऐसे दो पट्टी ले लिया मैंने, ये ऐसी खींचती है। ओके फ्रेंड्स, इसको क्रॉस पट्टी बोलते हैं। इसको अभी हम ऐसे जॉइंट लगा देंगे, ऐसे ऐसे में लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे जॉइंट कर दिया है दोनों पट्टी को, और यहाँ से आधा इंच पे फोल्ड करके सिलाई कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सीधा जो है इसको ऐसे सीधे पे रखेंगे, ये देखिए ऐसे, ये दोनों हमारा सीधा है, देखिए ये ऐसे रखना है हमें, ऐसे ये देखिए इतना छोड़ देना है कपड़ा आगे की तरफ, और बिल्कुल कॉर्नर पे जैसे हमें एक दाब की सिलाई लगाते हैं उससे भी कम, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा देना है। ये देखिए पीछे की तरफ से इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ रखते जाना है और ऐसे सिलाई लगाते हैं। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे रखना है हमें, ऐसे सिलाई लगा देना, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे मैंने पूरे में सिलाई लगा दिया है। अब हमें यहाँ से काट देना है इसे, ऐसे हर तरफ ताकि ये हमारा ऐसे पलट जाए, और इसको ऐसे कर देंगे और बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा देंगे, ऐसे करते जाएंगे ऐसे, और सिलाई लगा देना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी पैकिंग लगाकर को रेडी कर लिया। अब एक इंच की ऐसी पट्टी ले लेते हैं और इसको ऐसे रख देते हैं ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे मैंने एक इंच की पट्टी देकर इसको ऐसे रख देते हैं ऐसे, और ऐसे रख के इसको आप चाहो तो यहाँ से पिन लगा दो और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें सिलाई दिखानी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ से पाइपिंग के बाजू से सिलाई लाना है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने नेक रेडी कर लिया है, ये देखिए ये हमारी पाइपिंग, ये देखिए मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है, आप चाहे तो फैब्रिक बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने स्लीव में भी पाइपिंग डाल दिया है, देखिए वो दिख रहा होगा, तो मैंने अम्ब्रेला स्लीव लगाई है। आपको अम्ब्रेला स्लीव सीखना है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, इसमें भी लगा दिया है देखिए। और ये कली वाला है ड्रेस, मैंने अनारकली ड्रेस डाला है फ्रेंड्स वीडियो में,
और इसको कैसे लगाते हैं ये भी मैंने बताया है। आप अनारकली ड्रेस मेरा देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।